रोल। जिला श्रीनगर में जो कोविड की सूरत हाल है उससे निपटने के लिए कई इकदाम उठाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले एसओपीज का जो पालन है वो करने को बताया गया है। उसमें मुख्तलिफ जो अवेयरनेस एक्टिविटीज हैं उसके जरिए अवाम को इस बात से पावर किया गया है कि मास्क पहनना क्या क्यों जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करना, हैंड सैनिटेशन, और साथ ही साथ में सबसे अहम बात कि वैक्सीनेशन को बड़े पैमाने पर लिया गया है। इसके अलावा जिले में 93 आज की डेट में कंटेनमेंट जोन्स हैं, 56 माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स हैं। इसके अलावा ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शंस पर जो हमारे टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स हैं वहां बेड कैपेसिटी को ऑगमेंट किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो हमारे कोविड केयर सेंटर्स हैं वहां ऑक्सीजन बेड्स और मजीद ऐड किए जा रहे हैं। तो इसके अलावा जो बाकी इकदाम हमने उठाए हैं उसमें कई नए ऑक्सीजन प्लांट्स यहां इंस्टॉल किए गए हैं, जैसे एसएमएचएस हॉस्पिटल में 1000 एलपीएम का प्लांट ऐड किया गया है, उसके साथ 1000 एलपीएम का प्लांट कश्मीर नर्सिंग होम में ऑपरेशनलाइज किया गया है। फिर इस तरीके इसके बाद जेएलएनएम हॉस्पिटल में, पीएचसी छानपुरा में, और आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा ऑक्सीजन बेड्स, इस ऑक्सीजन प्लांट्स जो है वो ऐड कर लिए जाएंगे। एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि डीआरडीओ की तरफ से 500 बेडेड हॉस्पिटल जो है वो उसका काम शुरू हो गया है और चंद ही दिनों में उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। जिला श्रीनगर में कम्युनिटी ट्रैजिंग हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें एक मेडिकल जो टीम है वो हाउस टू हाउस जाकर जितने पॉजिटिव केसेस हैं वहां ट्रैजिंग करेंगे और देखेंगे कि प्रीशियस बेड जो है टर्शियरी हॉस्पिटल में, ताकि उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो और जो अननेसेसरी ऑक्यूपेंसी बेड्स की ना हो, ताकि जो कीमती जाने हैं उनको बचाया जा सके। इसके अलावा तमाम चीजों को कोऑर्डिनेट करने के लिए जिला श्रीनगर में COVID-19 वार रूम सेटअप किया गया है, जिसमें हर डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और उसके अलावा जो टेली कंसल्टेशन की फैसिलिटी है वो भी अवेलेबल है। तो इस तरीके से इनफ मेजर्स जो हमें उठाने चाहिए हमने उठाए हैं, और हमें पूरा यकीन है कि जिस तरीके से हमने कोविड फर्स्ट वेव को ओवरकम किया था, उसी तरीके से हम कोविड सेकंड जो वेव है इसमें से भी कामयाब तरीके से बाहर निकल कर आएंगे।